हाय गाइस, मेरा नाम संजय है। मेरा ये फर्स्ट व्लॉग है, कभी मैंने इससे पहले व्लॉग नहीं किया और मैं आपके साथ रिव्यू करना चाहता हूँ, अनबॉक्स करना चाहता हूँ ये GoPro 8। मैंने अभी ऑर्डर किया है, कल ही आया है GoPro नया हीरो 8, यहाँ पे यूके में लॉन्च हो गया है। होपफुली कि आप जब नया कैमरा सेलेक्ट करोगे तब आपको हेल्पफुल रहेगा कि GoPro 8 लेना चाहिए या कोई और एक्शन कैमरा लेना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट दिस वन, लेट्स अनबॉक्स दिस GoPro 8। ये है उसका पैक, मैंने अभी तक ओपन किया नहीं है, सो लेट्स ओपन इट विथ यू गाइज। अगर ये साइड देखें तो इसमें बताया गया है कि इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। सो इसमें आता है GoPro का बॉडी, ये है बैटरी, थंब स्क्रू है जिससे आप GoPro अटैच कर सकते हैं, ये उसका माउंटिंग ब्रैकेट है, ये GoPro स्टिक करने के लिए उसका एक फ्लैट सरफेस या कर्व्ड सरफेस पे आप कहीं स्टिक करना चाहते हो तो उसके लिए ये ब्रैकेट है, और ये है उसका चार्जिंग केबल। इस साइड जाए तो यहाँ पर GoPro ऐप के फीचर्स दिए हैं कि आप उसको मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर सकते हो। सो अगर इस साइड देखें तो डिफरेंट फीचर्स दिए हुए हैं इसमें। 12 मेगापिक्सल का कैमरा है इसमें, 4K वीडियो तक शूट कर सकते हैं, 8x का स्लो मोशन है, हाइपर स्मूथ 2.0 इसमें दिया हुआ आपका कैमरा स्टेबलाइजेशन जिससे अच्छा रहेगा, टाइम लैप्स हैं, लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं इससे आप, जिससे यूट्यूब या फेसबुक पे आप डायरेक्ट GoPro से लाइव जा सकते हैं। बट इसमें एक ये इशू है कि आप 4K में लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते, यू कैन ओनली डू इन 1080p। लाइव बस्ट है इसमें, और वॉइस रिकॉग्नाइजेशन एक अच्छा फीचर है। इनबिल्ड इसमें ब्रैकेटिंग माउंट्स हैं जो आपको पहले GoPro 7 में नहीं थे। अंडर वाटर अप टू 10 मीटर जा सकता है और इसमें GPS भी आप लोकेट कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स गेट टू द एक्चुअल बिजनेस अनबॉक्सिंग दिस GoPro। सो यहाँ से अनबॉक्स करेंगे पहले इसको हम। अगर आप चाहे तो ये स्टैंड आपसे रख सकते हैं, और ये इसका थंब स्क्रू है। आप अगर इसको यूज़ करना चाहे तो आप उसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं जैसे GoPro, और अगर नहीं यूज़ करना चाहे तो ये आप निकाल के फेंक सकते हैं और नॉर्मल GoPro को GoPro माउंट और GoPro स्टैंड के साथ यूज़ कर सकते हैं। अब इसको थंब स्क्रू को अगर निकाल लें और इसको GoPro को अलग करना चाहें तो ये GoPro अलग हो जाएगा। नाउ ये उसका एक प्रीव्यू है, ऐसा दिखता है GoPro Hero 8 एक्शन कैमरा। लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड दिस बॉक्स। सो ये बॉक्स में अगर देखिए तो ये GoPro प्लस अनलिमिटेड क्लाउड स्टोरेज, मे बी आपको क्लाउड स्टोरेज यहाँ पे GoPro का ऑप्शन है तो वो आपको फ्री ले सकते हैं अगर आपको वीडियो स्टोर करने हैं, फोटो स्टोर करने हैं। डैमेज कैमरा रिप्लेसमेंट, प्रॉब्ली ये लग रहा है कि GoPro का ये सब्सक्रिप्शन है, अगर ये आप GoPro का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो इट्स वेल एंड गुड, ट्राई इट फ्री। मैं इसको ट्राई करूँगा, आपको बताऊँगा इसके रिव्यूज़ क्या है, क्या क्या फैसिलिटीज़ है आपको नेक्स्ट वीडियो में। ये इसका लीफलेट है, आपको GoPro सेटअप कैसे करना है। हैव अ क्वेश्चन चैट विद आवर एक्सपर्ट्स, सो यू कैन आस्क देयर एक्सपर्ट्स एज वेल। ये नॉर्मल स्टिकर्स लग रहे हैं, आप अगर यूज़ करना चाहें कहीं GoPro के स्टिकर्स तो वो यूज़ कर सकते हैं। दिस इज सीम्स लाइक अ यूज़र मैनुअल, सो इफ़ यू वांट टू यूज़ द यूज़र मैनुअल समवेयर यू कैन यूज़ इट। आई एम श्योर ये बहुत यूज़फुल रहेगा व्हेन आई स्टार्ट माय GoPro शूटिंग। साइड देखे तो ये GoPro का बैटरी है, बहुत ही स्मॉल बैटरी है ये। ये ऐसा लग रहा है कि GoPro 7 जैसा ये बैटरी है, कोई डिफरेंस नहीं है एक्सेप्ट दिस कलर। GoPro 7 में ये बैटरी ब्लैक कलर में आती थी, अब इन्होंने ब्लू कलर की दी है, डेफिनेटली कुछ ऑप्शंस रहेगा इसमें। अगर आपको बैटरी के डिटेल्स दिखाऊं तो 1220 mAh की बैटरी है, सो आई थिंक दैट्स मोर देन सफिशियंट फॉर द GoPro, बट आई वुड रिकमेंड दैट यू शुड ऑर्डर सेकेंड बैटरी एज वेल। इसका बैटरी हो गया, ये इनका GoPro का स्टिकिंग स्टैंड है, यहाँ पे आप कैमरा माउंट कर सकते हैं, बट दिस इज़ अ कर्व्ड वन, दिस इज़ नॉट द स्ट्रेट वन। सो अगर आपको स्ट्रेट चाहिए तो ये आपको ऑर्डर करना पड़ेगा। जितना मुझे याद है GoPro 7 या 6 या 7 में वो स्ट्रेट सरफेस वाला भी देते थे, पर उन्होंने वो अभी शायद से दिया नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ कर्व्ड सरफेस वाला है। ये उसका चार्जिंग केबल है, आप GoPro चार्ज कर सकते हैं। इसके अंदर देखिए तो
दैट्स इट, दैट्स डन, इसके अंदर और कुछ नहीं है। ये हो गई अनबॉक्सिंग। मैंने ये GoPro की वेबसाइट से ये ऑर्डर किया है, दिस इज SanDisk Extreme। व्हेन यू सिलेक्ट अ GoPro, सॉरी व्हेन यू सिलेक्ट अ मेमोरी कार्ड फॉर द GoPro, डेफिनेटली आप Extreme के साथ जाइए, बिकॉज Extreme ही एक ऐसा SanDisk का कार्ड है जो 4K में वीडियो शूट कर सकता है। इसके स्पेसिफिकेशन GoPro 8 के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से जाते हैं। दिस इज़ द एक्चुअल बॉडी ऑफ अ GoPro। इसके साथ बैटरी है, लेट्स पुट दैट बैटरी इनसाइड। इसका यहाँ पे ब्रैकेट है, सो बैटरी के लिए स्पॉट है, चार्जिंग केबल के लिए यहाँ पे स्पॉट है, और ये मेमोरी कार्ड का है। बैटरी इन दैट, मेमोरी कार्ड मैंने ओपन कर दिया है। रिमेंबर, अगर आप ले रहे हैं कोई मेमोरी कार्ड तो 128 GB का ही ले, क्योंकि अगर आप GoPro से कहीं शूट कर रहे हैं 3 घंटे 4 घंटे का अगर शूटिंग हो सकता है तो आपको बार बार ट्रांसफ़र डेटा करने की ज़रूरत नहीं है। सो मैंने दैट्स व्हाई 128 GB का लिया है। Let's close this back. इसके स्क्रीन कवर है, ये निकाल देते हैं। ये इसका स्क्रीन है, विच इज अ टच स्क्रीन। होपफुली द बैटरी इज चार्ज, सो मैं उसको ऑन करने जा रहा हूँ। ओके, सो आई एम जस्ट इंस्टॉलिंग माई GoPro ऐप। ये इंस्टॉल हो गया, लेट्स ओपन दिस। Would like to access your photo. Okay. Connect to camera. GoPro Hero 8 Black. Top pe hi hai. My camera is on. Turn on your Bluetooth. So let's turn on the Bluetooth first. सो ये ऑल लीगल स्टफ है। काम करता हूँ मैं, इसको सेटअप करता हूँ और आपसे फिर मिलता हूँ। फोटोज़ में इसमें 3 टाइप के मोड हैं। ये सबसे पहला वाइड है, लीनियर है और नैरो है। और इसके पिक्चर्स मैं आपको अभी अटैच करके दिखाता हूँ। एक अच्छा फीचर ये भी है कि इसमें प्री सेट कंडीशंस है, जैसे आप बाइकिंग कर रहे हो, इंडोर एक्टिविटी में हो, आउटडोर हो, सेल्फी ले रहे हो और स्नो में हो, ट्रैवल कर रहे हो, वाटर एक्टिविटी कर रहे हो, तो आप सब सिलेक्ट कर सकते हो और इसी मोड पे आपका जो भी सेटिंग्स है वो एक्टिव हो जाएंगे। मैं इसका वीडियो टेस्ट कर रहा हूँ। इसमें 3 माइक्रोफोन है। एक्चुअली द डे इज़ क्वाइट विंडी टुडे, सो इट्स अ गुड टेस्ट फॉर द GoPro। वीडियो क्वालिटी में, वॉइस क्वालिटी में इसका इफेक्ट कैसा है, नॉइस कैंसिलेशन कैसा है, आउटसाइड का विंड को नॉइस कैंसिल करता है कि नहीं। आई डोंट नो हाउ द वॉइस इज़ कमिंग। जब वीडियो एडिट करूँगा होपफुली तब पता चलेगा कि वॉइस कैसा था इसमें।